राधे भगवान अकारण करुण है, अकारण करुण। वो जिस पर कृपा कर देता है वो अपनी दिव्य शक्ति दे देकर उसको अपना ज्ञान करा देता है, अपनी प्राप्ति करा देता है, अपना आनंद दे देता है, माया को भगा देता है, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोष सब का अत्यंताभाव कर देता है। और अनंत जन्मों के हमारे पापों को भी बिना भोगवाए क्षमा कर देता है। देखो ये सबसे विलक्षण बात है, पर ध्यान दो, हमारे संसारी गवर्नमेंट में अगर कोई मर्डर का अभियुक्त हो और वो कोर्ट से कहे कि सरकार एक बार माफ कर दीजिए, माना मैंने मर्डर किया है, मैंने खून किया है, लेकिन अब मैं अपना अपराध मान रहा हूं और भविष्य में मैं चींटी भी नहीं मारूंगा, एक बार, तो कोई भी कोर्ट माफ नहीं करेगी। वो कहेगी कि हाँ देखो, तुमने ये जो मर्डर किया है इसकी सजा भुगत लो, फिर मर्डर ना करना तो दंड नहीं मिलेगा। वो कहता है सरकार क्या कह रहे हैं आप, अरे जब फांसी हो जाएगी तो फिर हम रहेंगे ही नहीं, तो पाप क्या करेंगे। आए तो ठीक है, लेकिन एक मर्डर भी माफ नहीं किया जा रहा है। ध्यान दो, हमने तो अनंत जन्म में अनंत पाप किया है, वो सब संचित कर्म के रूप में, स्टॉक के रूप में जमा है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। तो वो संचित कर्म अगर भगवान भगवावे कि ठीक है अब तुम मेरे बन गए हो तो अब तुम आगे जो कर्म करोगे वो उसके हम ठेकेदार होंगे, उसका दंड नहीं देंगे, लेकिन जो किया है बेटा वो तो भोगना पड़ेगा। तो चूंकि वो अनलिमिटेड है कर्म, पाप पुण्य दोनों अनंत, इसलिए अनंत काल तक भोगते जाए तो भी अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, कभी अंत नहीं होगा तो मोक्ष क्या होगा, आनंद कब मिलेगा, दुख निवृत्ति कब होगी। लेकिन भगवान कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराबरे। मुंडकोपनिषद 2:2:8, योग शिखोपनिषद ने भी ये मंत्र है, 5:45, महोपनिषद ने भी ये मंत्र है, 4:82, भागवत ने भी है। तो केवल भगवत
शरणागति से इतनी कृपाएं हो जाती हैं कि अनंत जन्म को क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, भगवत प्राप्ति हुई बस सब माफ और आगे का सब भगवान का ठेका ठेका। हम जो कुछ भी काम करेंगे, अच्छा बुरा ना नहीं कर सकते, तस्य कार्यम न विद्यते। भगवत प्राप्ति होने के बाद कर्म खत्म, ज्ञान खत्म, सब खत्म। अब कुछ नहीं करना है। देखो आप लोग छोटी उम्र में तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में नहाए होंगे, अगर तो खिलवाड़ किए होंगे, पानी के अंदर मुंह डाल के बू ऐसे करते हैं बच्चे, अच्छा लगता है, आवाज होती है। तो पानी के ऊपर तो आवाज आप कर लेते हैं, लेकिन अगर डूब जाए पानी के अंदर नीचे और वो करें तो आवाज नहीं आएगी। तो जब तक हम माया के अंडर में हैं, तब तक कर्म करना कंपलसरी है, कंपलसरी है। एक क्षण को बिना कर्म किए नहीं रह सकते। और जहां भगवत प्राप्ति हुई, कर्म खत्म। अस्ति चेत न स तत्त्वविद्, अगर वो कर्म करता है तो महापुरुष नहीं, कृतार्थ नहीं, कृत्य नहीं, कृत्य माने कृत्य कर चुका, करना कर चुका। जब तक घी में पानी था, मक्खन था और टेम्परेचर देने पर खूब बोला, जब घी बन गया और हम टेम्परेचर देते रहे तो चुप हो गया, अब नहीं बोलेगा, जला दो उसको पूरा घी, बोलेगा नहीं, कर्म खत्म। लेकिन सब बोल रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं, अरे हजारों लाखों मर्डर कर रहे हैं, ये हनुमान जी हैं, अर्जुन जी हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के जो सरताज लोग, छोटे मोटे की बात नहीं करते। और स्वयं भगवान भी, औरों की तो छोड़ दो, अरे अर्जुन ने कितने मर्डर किए होंगे, हनुमान जी ने कितने किए होंगे, और भगवान ने अनंत ब्रह्मांड का मर्डर कर दिया, प्रलय, सबको मार दिया। और अवतार लेकर भी कितने ब्राह्मणों को, रावण के खानदानियों को मारा है, राम ने भी, लक्ष्मण ने भी, हनुमान जी ने भी, सब बानरों ने, महापुरुषों के दादा और भगवानों के दादा ये क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कर्म माया से नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं है, वो योग माया से होता है। योग माया का कर्म फल नहीं देता। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, कुशला चरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते
विपर्जयेण वा नरथो निरहंकारिणाम विभो। अरे महापुरुषों को तो छोड़ो, अगर अहंकार रहित कर्म करें संसार में साधक भी, तो उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, जस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्जस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर अगर कोई भी कर्म कर किया जाए, अच्छा बुरा कुछ भी, उसका फल नहीं भोगना पड़ता। तो इस प्रकार भगवान इतनी बड़ी कृपाएं करते हैं, वो कृपा कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोगों को बताया गया कि कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग हैं। लेकिन कर्म शब्द का जो अर्थ है वो दो प्रकार का है। एक कर्म होता है फिजिकल, एक स्पिरिचुअल। यानी एक कर्म होता है माइक, एक कर्म भगवान संबंधी दिव्य। पूरी बुद्धि लगाओ, माइक माने वर्णाश्रम धर्म का कर्म, वर्णाश्रम माने हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं। अरे ये तो शरीर के नाम है रे, ये मैं की परिचय नहीं दे रहे हो तुम। हाँ हाँ ठीक है, हम ब्रह्मचारी हैं, हम गृहस्थी हैं, हम वानप्रस्थी हैं, हम सन्यासी हैं, ये भी शरीर के लिए है। हाँ हाँ है शरीर के लिए। तो ये जो धर्म है ये नश्वर है, इसका फल भी नश्वर, क्योंकि शरीर भी नश्वर। तो जितने धर्म कर्म लिखे हैं वो सब इसी के हैं। अगर वो विधिवत होंगे तो स्वर्ग तक ले जाएंगे, वहां भी कुछ दिन के लिए, वहां भी माया का अधिकार, उसके बाद फिर मृत्युलोक में आना होगा। हीन तरंबा विशंत, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाएगा। और ये परिवर्तनशील धर्म है। देखो आप ब्रह्मचारी हैं, तो आपको क्या बताया गया है, ब्रह्मचर्य से रहो, स्त्री का फोटो भी नहीं देखना, किसी स्त्री से बात नहीं करना। अच्छा 25 साल तक उसने ऐसे ही किया। हाँ सुनो इधर आओ, हाँ गुरुजी एक लड़की से ब्याह कर लो। ये क्या कर रहे हैं आप गुरुजी, आपने तो अभी तक हमको ये पढ़ाया था। अरे हाँ हाँ जो कह रहे हैं वो करो, बहस नहीं करते गुरु के आगे। ठीक है हो गई 7 चक्कर लगा के, एक मैम साहब आ गई, अब 2, 4, 6, 10 बच्चे हुए, अब उनके नाती पोते हुए, आप पूरी फैमिली हो गई लंबी चौड़ी, सब में अटैचमेंट हो गया। कुत्ते का भी गधे का भी सब का होता है ऐसे ही। एक कुतिया के बच्चे को कोई पकड़े वो काटने दौड़ती है।
सबको अपने परिवार में अटैचमेंट है। अब फिर आए गुरु जी, तुम 50 साल के हो गए हो। हाँ गुरु जी हो गए, ये जितने सब बाल बच्चे कच्चे सब है ना, इनको काम धाम है ना, ये सब जो तो नौकरी फोकरी है ना, ये सब छोड़ दो और जंगल में चलो तुम दोनों खाली। और ये हम इतने बच्चों को नाती पोते को छोड़ के अपना ये सब अपना बनाया है कोठी महल और ये सब छोड़ के जंगल में जाए। हाँ ठीक है, चलो भाई मेम साहब। 25 साल वहां भी रहे। इधर आना, ये कौन है? अरे गुरु जी आप नहीं जानते, ये मेरी मिसेज है, मिसेज। ये मिसेज विसेज कुछ नहीं होती, अबाउट टर्न, तुम इधर जाओ, तुम्हारा सर्वस्व भगवान। और ओ मैम साहब, ये पतिवती तुम्हारा नहीं है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा पति भगवान है, उधर जाओ। लो जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। शादी के पहले स्त्री को देखना गुनाह था और वहीं फिर पहुंच गए। सन्यासी हो गए। अब गौरांग महाप्रभु के लिए उनके शिष्य ने 80 वर्ष की माता जी से भीख मांगा चावल की, महाप्रभु जी के लिए, गुरु जी के लिए। और जिससे मांगा वो 80 वर्ष की लठिया लेके चलने वाली। और महाप्रभु जी को मालूम हो गया, उन्होंने कहा ये चावल कहाँ से लाया? उन्होंने कहा माता जी के यहाँ। मैंने कहा था ना तुम सन्यासी हो, किसी स्त्री से भिक्षा नहीं लेना। अरे गुरु जी वो तो आप जानते हैं अंतर्जामी है, वो तो माता जी है। अरे माता जी का बच्चा आज्ञा पालन होना चाहिए, तुम सन्यासी हो, भाग जाओ, अब कभी मत आना मेरे सामने। ये लो, बिना अपराध के इतना बड़ा दंड। सारे भक्त सन्न। अब किसी की हिम्मत तो बोलने की थी नहीं, डर के मारे। अपराधी का बचाव करने वाला भी अपराधी होता है। लेकिन सब मन में सोचने लगे कि महाप्रभु जी तो भगवान के अवतार हैं, इनको पता है। और फिर इनको क्या गधे को भी पता होती है कि 80 वर्ष की बुढ़िया में कोई आसक्त तो होगा भला? संसार में भी ऐसा कोई कामी नहीं है। और वो भी अपने लिए बेचारा नहीं लाया चावल, उसका त्याग कर दिया। ये वर्णाश्रम धर्म मैं बता रहा हूं मैं, जो परिवर्तनशील है, नश्वर है, इसका फल भी नश्वर है। अतएव ज्ञान पर विचार किया गया। ओ ज्ञान के विषय में भी वही प्रॉब्लम आई कि तुम्हारे मन के द्वारा जो भी चिंतन है सब माइक है, इसलिए भगवान का चिंतन तुम कर ही नहीं सकते। वो बेचारा पहले तो अधिकारी होना बड़ा असंभव, और अगर कहीं कोई हो भी जाए तो साधना करने समय बार बार गिरेगा, और अगर कोई अंतिम चोटी पर भी पहुंच जाए तो भी गिरेगा, क्योंकि वो आत्मज्ञानी तक बन सकता है, ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता। और बिना ब्रह्मज्ञान के न माया जाएगी न ब्रह्मानंद मिलेगा।
वो भी बेकार हो गया हमारे लिए। तो फिर अब एक बचा भक्ति योग, इसके विषय में हमको डिटेल से समझना होगा, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए लाडली लाल की।